वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज मासा टैंक में और यहाँ पर आज मैं आप लोगों को क्वालिटी वाले बकरे बतलाने वाला हूँ। और ये आज जो वीडियो देख रहे हैं, यानी आज फ़ोन भी अपग्रेड हो चुका, तो आप लोग बतलाना है कि गेसिंग ऑप्शन है कौन सा फ़ोन, और क्लैरिटी कैसी लगी आप लोगों को वो भी बतलाना है। और काफ़ी सारे अपडेट्स भी रहेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। और यहाँ पर जो आज बकरे लेने वाले हैं आप लोग, यानी वैक्सीनेटेड और टाइम शेड्यूल मेंटेन करा हुआ है, काफ़ी सारे यानी सिस्टमेटिक एक फार्म चल रहा है यहाँ पर, तो इनकी सब डिटेल्स हम बात करेंगे यहाँ के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करिया से उमर भाई। अलहमदिल्ला आप करिए से दुआ है भाई। अलहमदिल्ला भाई, ईद के बाद की पहली वीडियो और इस फोन की भी पहली वीडियो, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सोचा ये कि कुछ एक्सोटिक अगर इंशाल्लाह बकरे मिल जाएंगे तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला पहली वीडियो में एक्सोटिक बकरे बता दिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह बहुत शानदार तैयारी करे आप। टोटल कितने जानवर बतलाने वाले हैं इस वीडियो में? इंशाल्लाह 5 बतलाएंगे, 5 से 6 रहेंगे। 3 बच्चे रहेंगे, 3 बकरे वाली बच्ची भी रहेंगी। हां ओके, 3 बच्चे वाली बकरी भी आप? जी हां माशाल्लाह। तो एक एक्सोटिक बकरा तो यहाँ पर दिख रहा आप लोगों को, ये वाला। इससे पहले यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये देख लेंगे, क्या डिटेल है इस बच्चे की और कौन सी नस्ल? ये बच्चा गुजरी वही उसका बाप है, जितने भी आज बच्चे बताएंगे उसका सबका फादर इन्हें रहेगा, यही ब्रीडर है। ओके हाँ, और ये बच्चे की डिटेल है, 5 महीने का है ये बच्चा, सिर्फ 5 महीने का, सिर्फ 5 मंथ्स का है। 25 kg। फोटो वगैरह सब यानी प्रूफ मिल जाएंगे कब? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियोज भी फोटोज भी आपको सब डेट के साथ मिलेंगे। ओके, और ये बच्चा नवंबर 10 तारीख को पैदा हुआ। नवंबर 10 टेंथ नवंबर से अब तक सिर्फ 5 महीनों के अंदर 5 महीने ये साइज हो गया जी। माशाल्लाह, मार्बल सिंह, मार्बल खोर, मकसी के कलर है, देखिए आप देख सकते हैं, पूरा गुलाबी चेहरा जी। इसकी माँ कौन सी थी? इसकी माँ भी ऊपर है, आपको इंशाल्लाह बताएंगे। ब्रीड कौन सी थी? जैसे गुजरी बात वो सोजत में है, वो सोजत क्रॉस में है थोड़ी। ओके, तो क्या प्राइस है इस मेल बच्चे का? ये बच्चे का 12,000 रहेगा। लास्ट टाइम 4.5 महीने पहले आप आकर वीडियो निकाले थे, मैं ऑफर में एक बकरी भी रखा था, वही बताऊंगा। और बच्चे मेरे को जब लास्ट टाइम पे फोन बहुत कर रहे थे, ये इसका ब्रीडर का बच्चे होने का है, नस्ल होने का है बोल के, इंशाल्लाह आज उन लोग को सबको मिल जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। अभी देखिए यहाँ पर किट्स अवेलेबल है क्वालिटी वाली, यानी ये जो बकरा देख रहे हैं आप बहुत ज्यादा उम्दा क्वालिटी में है, और इसी का रिजल्ट यहाँ पर अभी सेल के लिए अवेलेबल है। 12,000 में नेगोशिएबल रहेंगे? हाँ स्लाइटली नेगोशिएबल रहेगा, 5 मंथ्स 25 kg इसका लाइफ वेट रहेगा। 25 kg है जी, पूरा गोल्ड। और वैक्सीनेटेड भी है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेटेड, PPR और इसका जो डिवॉर्मिंग और कैल्शियम वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह। आप रेगुलर करवाते बोल के बतला रहे थे, कितने दिन में डिवॉर्मिंग होती है? मैं जो है तो 45 डेज में कराता हूँ, और लेकिन 3 मंथ्स में कराता हूँ, कभी यहाँ वगैरह आया तो उनका टाइमिंग ज़्यादा चेंज हो जाता है, डिवॉर्मिंग नहीं कराता। नॉर्मली 3 महीने में एक बार कराना अच्छा है। और एक अपडेट और भी दे दूँ आप लोगों को, लोग बकरे अच्छे होना बोल के डिवॉर्मिंग मंथली भी कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि डिवॉर्मिंग एक जुलाब की गोली, यानी जिससे पेट साफ होता, कीड़े निकलते, तो बकरा थोड़ा सा वेट में भी कभी कभी कम हो जाता। आप हर महीना अगर डिवॉर्मिंग करेंगे तो ये लॉस हो जाता है, 3 महीने में एक बार करिए, सिस्टमेटिक सही हिसाब है। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा बकरा है आपके पास? जी और एक बार, ये भी इसी का बच्चा है आपके पास, इसी का रिजल्ट है? जी हो, इसी का ही बेटा है। okay. गुजरी है इसकी माँ और ये बाप है इसका, और रिजल्ट जो है। हाँ लास्ट टाइम वीडियो में ये बच्चे के लिए बहुत फोन आए थे जी, इंशाल्लाह अभी अवेलेबल है ये बच्चा, चमक वगैरह माशाल्लाह हर चीज तैयार जी। हो जी, इसका जो है सो 15 तारीख का जो 10 महीने कंप्लीट हो गया। अच्छा, आने वाली 15 को जून 15 का बच्चा है। ओके, और क्या वेट है इसका? इसका वेट रहेगा 35 kg का आएगा इंशाल्लाह, 35 kg लाइव वेट रहेगा इंशाल्लाह। एक एक्सपेक्टेड है ना जी? तोलेवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी तोलेवा नहीं है, बस अंदाजा ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ओके, तो अभी इसका क्या रख रहे हैं वाशिंग प्राइस? इसका 16,000 रहेगा, 16,000 स्लाइटली नेगोशिएबल रहेगा, 16,000 स्लाइटली नेगोशिएबल जी, बिल्कुल रहेंगे। देखिए 16,000 16,000 आशिंग प्राइस है, पूरा वैक्सीनेटेड जानवर है इसका है ये, अभी जो इसका वेट है 35 kg, बहुत हार्ड है ये, बहुत हार्ड ब्रीडर बनेगा इंशाल्लाह, बहुत गर्म बकरा है ये, बहुत ज्यादा गर्म। अभी नीचे आया बोल के खामोश है, फर्स्ट टाइम इन्हें नीचे उतरा, वरना इन्हें छीने भी नहीं देता, हम लोग को भी मारा बहुत लगते इससे। इसके बाद जो दूसरे बोल रही है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि वेट गेनर सिर्फ 1 वीक के लिए, यानी 1 वीक के लिए सेम ऑफर में है, जो भी इंटरेस्टेड हो आप लोग जल्द से जल्द क्वांटिटी में ले सकते हैं जो लैक्टोनाइन और वेट गेनर है, वरना 1 वीक के बाद में उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट में ये एक बच्चा है आपके पास, ये बर्बरी और गुजरी क्रॉस है, बर्बरी और गुजरी जी,
यही बाप है, यही बाप है इसका भी। आगरा की स्पॉटिंग आ गई इसके। जी हाँ जी हाँ, पूरा खूबसूरत बच्चा। कितने महीने का है? ये 5 महीने होता है अभी। 5 महीने का? 5 मंथ्स कंप्लीट होते हैं 2 दिन में। कौन सी ब्रीड है बोले आप? क्रॉस बरबरी और गुजरी। हाँ, यही बाप है, बाप सबका यही है। बराबरी बोला है जी। तो आगरा ब्रीड और ये गुजरी बाप है जी। और ये देखिए स्पॉटिंग, इसमें बरबरी का दिख रहा है आपको, लेकिन पूरा अच्छा बच्चा है। और 5 महीने का ये भी? ये भी 5 महीने का। ठीक है, ये भी मेल बच्चा है ना? ये भी मेल बच्चा है। क्या प्राइस है इसका? इसका 8000 है। 8000 नेगोशिएबल है। 8000 है इसमें भी नेगोशिएबल। अच्छा खूबसूरत बच्चा है, ये भी एक्टिव बच्चा है ये भी। जी जी ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट और एक बताऊंगा। चलो नेक्स्ट में आपके पास ये गुजरी की पार्ट है। हाँ, और फीमेल पार्ट है। इसी बकरे का रिजल्ट है? ये भी हाँ, बाप यही है। सेम कॉपी है ना? जी हाँ, सेम बाप की तरह लुकिंग है। देखिए फीमेल पार्ट है। कितने महीने की है ये? 4 मंथ्स 4.5 मंथ्स है। 5 मंथ्स चल रहा है इसका। अच्छा 5th मंथ रनिंग है। जी हाँ। ओके, और आप इसकी भी क्वालिटी देखिए, एकदम सॉलिड। जी हाँ, जो टेक केयर अच्छे करते हैं, उनके पास जानवर भी बहुत अच्छे होते हैं। इस वजह से मैं स्टार्टिंग बताया था आप लोगों को। क्या प्राइस है इसका आस्किंग? इसका 7000 रहेगा, नेगोशिएबल रहेगा। ये 7000 आस्किंग है, इसमें भी नेगोशिएबल रहेगा। ये भी सेम कॉपी रहता है, इधर दोनों साइड बराबर सेम पैचेस है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत। और एक बहुत खूबसूरत गुलाबी बच्चा है आपके पास, ये वाला। जी हाँ, ये मेल है या फीमेल? मेल है। मेल बच्चा है। हाँ, ये कितने महीने का है? ये 45 डेज का है। ये शौक के लिए बता रहा हूँ मैं कि यही है, इसका भी बाप यही है। सेम है इसका भी बाप। जी हाँ, माँ कौन सी थी? माम सोजा था इसकी। जी बहुत गुलाबी बच्चा है। तरफ से गुलाबी जी, सामने चेहरा देख रहे हैं आप कान। तो उसके रिजल्ट्स माशाल्लाह बता रहा था मैं आपको, यानी सभी मल्टी कलर इसके अंदर। जी हो जी हो जी हो, ये गुजरी पैटर्न देखिए आप, इधर आया सोजा थे। जी हाँ, ये नॉट फॉर सेल? जी नॉट फॉर सेल है, अभी बच्चा है ना जी। इंशाल्लाह आगे देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कितने महीने के बाद में आप बच्चे देते हैं, यानी दूध कब तक? ये 45 डेज का है। 3.5 वगैरह जैसा माँ से बॉन्डिंग जरा दूर होती, अकेला भी जाए, खा लेता, खेल लेता, लड़ लेता, तो नॉर्मल महीने के बाद सेल करते छोटे बच्चे। 3.5 3 के बाद बहुत खूब, क्योंकि ये आजकल चल रहा है ऐसा, बच्चे होते ही 5 दिन 10 दिन के अंदर अलग कर रहे हैं, भेज रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अभी तक 3 महीना ही बोल रहा हूँ, एक भी नहीं बेचा, 4 साढ़े 4 महीने का ही बेचा हम। बहुत खूब। तीसरा लैक्टेशन है ना जी? यहाँ पर ये एक बकरी है और उसका 3 बच्चे। जी हो, मेल 3 बच्चे। तीनों भी जो है सो मेल बच्चे हैं। ये भी गुजरी क्रॉस ही है, इसका बाप भी वही, मैंने नीचे आपको जो बताया वही है। इनके आइस वाइट कैसे आ गए फिर? ओ गुजरी इसके बाप के वाइट है, नीचे जो गुजरी है वाइट है। जी हो। अच्छा, तो चलिए वो बकरा भी मैं बतलाने वाला हूँ आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर देखिए आप रिजल्ट। ये तीनों बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। हाँ, तीनों बच्चे भी, हाँ तीनों बच्चे भी माशाल्लाह मेल है, और ये 2 महीने के है। जी हाँ, ये 2 महीने के है, और माशाल्लाह दूध काफी हो जा रहा है इन लोगों को। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे बकरे वही पिलाया था मैं। इसके अलावा दूसरे बकरियों का भी देते दूध आप लोगों को? जी हाँ, है ना मेरे पास दूध की बकरी है, मैं आपको एक बार व्यू कराता हूँ। मैं दूध की बकरी बच्चों का क्या प्राइस है? ये बकरी बच्चों का 22000 रुपए रहेगा, नेगोशिएबल। नेगोशिएबल बच्चे और नेगोशिएबल बकरी, ये नेगोशिएबल है। हाँ, ये तीसरी लैक्टेशन है, पहले मैं 1 दी, सेकंड में 2 दी, अब 3 दी। आगे अल्लाह चाहे तो 4 आ जा सकते हैं इंशाल्लाह। वो कॉमनली इंशाल्लाह 3 ही आ जा रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तीन भी मेल बच्चे हैं, तीनों 3 मेल है, और अच्छी बकरी है। अभी फिर से लोड हुई है? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी 2 महीने जो है नहीं कराता हूँ, 3 महीने के बाद। ठीक है, इसके बाद में हाँ दूध के लिए देखिए गुजरी बकरी है आपके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह काफी दूध की बकरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं 1.5 घंटा हुआ मैं इसका 1.25 लीटर जो है सो पीओसी का मिल्क निकाल लिया घर के बच्चे पीने के लिए। अच्छा, अभी फ्रेश जनी भी है? जी हाँ, इसके बच्चे अभी है अवेलेबल। आप 1 घंटा पहले 1.5 लीटर दूध निकाले? अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ कम 1.5 लीटर। जी हाँ, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितने लीटर दूध देती बकरी अभी? देखिए अब मैं सोचता हूँ कि अगर आप अभी फिल वक्त निकालते थे ना आज का टोटल मॉर्निंग सेक्शन, तो 2 लीटर आराम से आता था, हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं, रनिंग में बहुत अच्छी दूध की बकरी है, ये बेचने का नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। कभी क्या करता हूँ, बच्चों को इसको पिला, बच्चों को डिवाइड कर देते ये। जी हाँ, घर के बच्चे भी हम लोग भी पीते, बहुत अच्छा रहता। बहुत खूब। बकरी के दूध के फायदे क्या है, कुछ आइडिया है आपको? देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और बहुत सारे फायदे इसमें है, जैसा कि अब नबी करीम का अगर नाम आ गया तो उसमें बस नहीं, और कुछ बताने की होते ही, लेकिन कैल्शियम की जो है बहुत साइंटिफिक तरीके से, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है, बकरी के दूध से जो आयरन आता, आयरन हड्डियां लोहा बन जाती।
कैल्शियम और आप मोटे नहीं होते, इससे फैट नहीं आता, काफी सारे फायदे हैं इसके जी। और से अस्थमा वगैरह के लिए दवाओं में भी यूज करते हैं, बहुत सारे दवाओं में यूज होते हैं। इसके बाद में आपके पास बड़ा बकरा, नीचे एक बड़ा बकरा बताएंगे इंशाल्लाह। उमर भाई ये नेक्स्ट एक मेरा जो ब्रीडर है, जो स्टार्टिंग में इसका जिक्र है, सब बच्चे इसी के है। आप इसकी आंख वाइट है बोले थे ना जी, वाइट है ना, नहीं है अनारी आंख है जी जी, लेकिन बच्चे जो इसके ही है। और मेरे पास एक ही ब्रीड आ जा रहे हैं, कुछ वाइट भी आ रहे हैं जी। तो मेरे पास डिटेल पे कितने दांत पे है? ये 6 दांत पे है, 2 साल 8 महीने का बच्चा है ये। अच्छा जी, हो 6 दांत होम ब्रीड है आपकी? नहीं नहीं, मेरे दोस्त के पास से लिया था मैं। अच्छा, मैं जब ये 6 महीने के करीब था जब लाया था। अच्छा, अभी तक मेरे पास जितने भी बच्चे है होम ब्रीड जो भी है वो सबका ये नहीं है, लेकिन माशाल्लाह रिजल्ट है, बहुत खूबसूरत। 80 to 90 kg. अगर ईद के लिए कोई नियत करके कोई बड़ा शौकीन रहेगा तो इंशाल्लाह इसका फोन पे रापता कर सकते हैं। अगर एज ए ब्रीडर होना है या फिर अगर आप कुर्बानी के लिए लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, देखिए लेकिन पूरा फुल तैयार जी हो माशाल्लाह। सबसे मेन के वैक्सीनेटेड भी है, हैदराबाद के वेदर में सेट भी है, अगर कोई लेके घर पे भी रखना चाह रहे हैं या कोई फार्म पे भी अगर शिफ्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत शानदार। गले की झालर भी है लेकिन बेल्ट थोड़ा टाइट रहने से आप लोगों को दिख रही नहीं, आप देखिए क्वालिटी इसकी, इसका खोल के ही बताएंगे इंशाल्लाह। दूंगा इसके अंदर, ये देखिए बहुत ज्यादा उम्दा। तो चेन खोल लो भैया, उसका पट्टा दे दो, खाली पट्टा दे दो। क्या हाइट होंगी इसकी अभी? मैं समझता हूँ 40 आएंगे इंशाल्लाह, 40 के आसपास हाइट इसकी, 38 to 39 आ जाना चाहिए। और आप गर्दन वगैरह देखिए, तैयारी इसकी माशाल्लाह है। लगभग 2 साल से आपके पास है? जी 2 साल 2 महीने मेरे पास से है, 6 महीने तक का लाया था जी। लेकिन लेंथ वगैरह भी अच्छी है बकरी की माशाल्लाह। ठीक है, तो कोई शौकीन अगर रहे तो ही देना है ना जी? व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, आपका इंशाल्लाह मैं कॉन्टेक्ट जी। और ट्रांसपोर्टेशन है, फैसिलिटी अवेलेबल? ट्रांसपोर्टेशन देखिए, मेरे को तो इतनी नॉलेज इसकी है नहीं, मैंने तक किसी का भिजाया नहीं, बहुत सारे हैदराबाद में ट्रेडर्स है जी। और इंशाल्लाह उनसे रابطہ भी करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। ये बेल्ट ऊपर जाके लगाएंगे, उसको वो डालना है, निकाल दो। तो चलिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पर कॉल करके बात, नंबर भी बोल देता हूँ मैं। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और ऐसे बहुत सारे अपडेट्स बताऊंगा मैं आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।